शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से। श्रद्धा, श्रद्धा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा बदन तो तप रहा है। चलो आराम से। तुम कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे यहाँ तो सब कुछ बन चुका है और रसोई भी साफ हो चुकी है। देवी श्रद्धा ने फिर से चमत्कार कर दिया। हमें तो पहले से ही पता था कि वो कुछ भी कर सकती है। यही आदत कि मैं सब कर लूंगी अब कितनी भारी पड़ने वाली है अभी सबको पता चल जाएगा। मम्मी, बुआ, ताई जी, ये अभय को क्या हो गया? अचानक चिल्ला क्यों रहे? चल चलिए। डॉक्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रद्धा की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है, उसका पूरा बदन तप रहा है। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए ना। डॉक्टर, बुखार 104 से ज्यादा हो गए, आप प्लीज। अभी तुरंत मेरा आना मुश्किल है, एक दूसरे पेशेंट का इमरजेंसी केस है, आप उन्हें मेरे अस्पताल ही सीधा ले आइए। ठीक है, मैं अभी श्रद्धा को लेकर निकलता हूँ। ओके। श्रद्धा से दूर रहने के लिए उतारिए इन्हें नीचे। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है अभी ताई जी। अभय, ये क्या तरीका है अपनी ताई जी से बात करने का? भाभी, भाभी रोकिए अपने लाडले को, ये हमेशा अपनी जिद पे अड़ा रहता है। आप लोग हटिए यहाँ से। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, श्रद्धा की हालत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है, उसका पूरा बदन तप रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना है उसे। हटिए पीछे। अरे तुम पगला गए हो क्या? तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे ये देवी है, उतारो इन्हें। बस मम्मी, आज नहीं। आपके इस अंधेपन में अगर श्रद्धा को कुछ हो गया ना तो सच बता रहा हूँ मैं, बवाल कर दूंगा मैं। हटिए मेरे आगे से, हटिए। अबे रुक जाओ, अबे ये गलत कर रहे हो तुम। भगवान, वहां देवी श्रद्धा के भक्त उनके दर्शन के लिए आ गए होंगे, अगर वो उन्हें अभय के साथ ऐसे देख लिए। भगवान, तो अब होगा भाभी। चलिए चलिए, नीचे उतारो। कहाँ? आज मुझे किसी ने भी रोकने की कोशिश की ना, मैं सच कह रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो मेरे रास्ते से। मुझे समझ नहीं आता ना, बिना मार खाए तू नहीं मारेगा, कहीं नहीं जाएगी हमारी देवी श्रद्धा। तेरी भलाई इसी में है, देवी श्रद्धा को नीचे उतारो वरना। अरे देख क्या रहे हो, मारो इस अभद्र पार्टी को। धीदू की ऐसी हालत? रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे अभय, क्या हुआ धीदू को? हमारा मतलब है देवी श्रद्धा को। बिल्कुल नहीं, इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत बुखार ऐसे तप रही है, डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, इलाज करवाना होगा, नहीं तो तबीयत और बिगड़ सकती है। बीमार इंसान होते हैं, देवी देवता नहीं। हमारी देवी को कुछ नहीं हुआ है, इन पे कोई भी दवाई असर नहीं करेंगी। थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है तुम्हें रोशनी, तुम एक डॉक्टर हो, श्रद्धा की हालत देखो, बदन तप रहा, उसका बुखार के मारे हैं, और तुम ये अंधविश्वासी बातें कर रही हो। हाँ मैं डॉक्टर हूँ इसीलिए ये सब बोल रही हूँ, मेरी या किसी और डॉक्टर की दवाई उन पर काम नहीं करेगी।
वो देवी जो इंसानों को उनके कष्टों से मुक्त कर देती है, इन्हें भला क्या होगा? सही कह रही हैं, ये हम भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले ली हैं, इसीलिए इनकी ये हालत हुई है। क्या नाटक है ये रोशनी? तुमने वो स्प्रे किया ना, हमारे मना करने के बाद भी। मैंने कुछ नहीं किया है कीर्ति, और तुम तो मेरे हाथ से छीन कर लेके गई थी ना। कुछ नहीं हुआ है श्रद्धा को, ये बस थकान की वजह से। साधारण बुखार वाली दवाई लेगी ना, ठीक हो जाएगी वो। हाँ तुम डॉक्टर हो ना, दो ना दीदी को दवा, देखो उनकी हालत कितनी बिगड़ रही है। नहीं कीर्ति, अभी नहीं, थोड़ा तमाशा होने दो, पहले हमारा पूरा मकसद पूरा होने दो, फिर उसके बाद। रोशनी कीर्ति, भरोसा रखो मुझ पर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं श्रद्धा को कुछ नहीं होने दूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे चुप हो जाओ, आप सबकी वजह से किसी दिन श्रद्धा की जान चली जाएगी। तू इन सबकी सुन भी क्यों रहा है? अभी की अभी श्रद्धा को लेके जा, मैं देखता हूँ कौन रुकता है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मंदिर में वो बड़ी घंटी श्रद्धा देवी के ऊपर गिरी और उन्हें खरोंच तक नहीं आई। उन्हें अभी भी कुछ नहीं होगा, कोई अपने साथ नहीं लेके जाएगा देवी श्रद्धा को। अगर देवी श्रद्धा गई तो हम यहीं अपना भक्तजन समाधि ले लेंगे। और कोई दवा भी मत दीजिएगा देवी श्रद्धा को, हम भक्तों की आस्था है और देवी खुद ही ठीक होकर अपना चमत्कार दिखाएंगी। चाहती क्या हो तू? क्यों श्रद्धा के पीछे पड़ी हो? क्यों उसकी जान लेने पे तुली हो तुम? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं रोशनी, अपना ये घटिया खेल बंद करो, श्रद्धा को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। ठीक है, मैं उसे दवाई दे दूंगी और ये खेल भी खत्म कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या चाहती हो तुम? एक मिनट, श्रद्धा को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना, तो वो अपनी सांसें छोड़ देगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गए अभय, सिर्फ तुम। रोशनी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और इस गलती को मैं और बढ़ावा नहीं दूंगा। तुम अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। मैं श्रद्धा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सुना तुमने? मैं श्रद्धा को तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है श्रद्धा को ये बुखार थकान से हुआ है? नहीं अबे, उसने एक ऐसा केमिकल सूंघा है जिससे पल पल उसकी सांसें फूलती रहेंगी और कुछ ही पल में उसकी सांसें बंद, हमेशा हमेशा के लिए। ए, आप सब लोगों को हो क्या गया? आपको दिखाई नहीं दे रहा श्रद्धा की हालत इतनी खराब है? अरे समझने की कोशिश कीजिए, अभय। श्रद्धा, अभय, अभय मुझे सांस नहीं आई। श्रद्धा,
मैंने कहा था ना, श्रद्धा की हालत अब और बिगड़ेगी। सोच लो अब। मैं श्रद्धा को इसी हालत में छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं खुद डॉक्टर को लेकर आऊंगा। श्रद्धा का इलाज होकर रहेगा। काम हो जाएगा। इन्हें कुछ नहीं हो सकता। देखिए श्रद्धा की हालत कितनी खराब है, बहुत तेज बुखार है उसे। आप सब हटिए यहाँ से, मुझे मरीज को देखने दीजिए। मरीज बोल के आप देवी श्रद्धा का अपमान कर रही हैं। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, देवी और इंसान में फर्क समझती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है। अरे श्रद्धा देवी अगर जहर भी पी लेना तो वो अमृत में बदल जाता है। इनकी शक्ति पे उंगली उठाने का मतलब है हमारे भरोसे पर उंगली उठाना। सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों पे उंगली उठाना हुआ। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही है? आप प्लीज डॉक्टर जी को जाने दीजिए आगे। अभय, हम देवी श्रद्धा का अपमान सहन नहीं करेंगे। आज किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लीजिए डॉक्टर साहिबा, अगर आज आपने ये लक्ष्मण रेखा पार की तो यहाँ से सही सलामत निकल नहीं पाएगी। सॉरी अब है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये क्या किया आप सबने? आप क्या चाहते हैं? आपकी आंखों के सामने श्रद्धा की बलि चढ़ा दी जाए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम ही श्रद्धा का इलाज करोगे, वरना अगर मैं पागल हो गया ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो अभय? देवी श्रद्धा की जो आज हालत है ना, वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे हो।
जिसकी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं श्रद्धा को तलाक दूंगा। तुम जाके पेपर्स लेकर आओ। देवी श्रद्धा की जय। ठीक है, मैं अभी पेपर्स लेकर आती हूँ। देवी श्रद्धा की जय। आपके मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, आप प्रसाद खाओ। मैं एक पिक लाया। आखिर वो पल आ ही गया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। अभय और श्रद्धा का नाम हमेशा हमेशा के लिए अलग होगा और अभय की जिंदगी में होगी सिर्फ रोशनी। देवी श्रद्धा, आज न सिर्फ तुम अपने रिश्ते का बलिदान दोगी बल्कि अपनी जान की भी बलि चढ़ाओगी। इस हालत में ना ही कोई दवा काम आएगी और ना ही कोई भक्तों की दुआ। हनुमान पेपर को, हनुमान। लाओ मुझे दे। पेपर्स वापस करो वरना बहुत डांट पड़ेगी, समझे? गंजिया लेती ले लो, डका कर ले लो। ये क्या हो रहा है? पेपर्स उठ क्यों नहीं रहे? ये हटाओ इसे।
ये सब क्या हो रहा है, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा। हे भगवान, कहीं कोई हमसे गलती ना हो गई हो और देवी श्रद्धा हमसे नाराज हो गई हो। देवी का अपमान हो गया है। हे भगवान, कितना बड़ा पाप हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। शौक है ना तुम्हें रोशनी दूसरों के साथ खेल खेलने का, अब देखो मैं क्या करता हूं। बिजली अचानक कैसे चली गई? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।